फिर उसको बात करते हैं आरटीसी लिमिटेड की। 205 रुपए का स्टॉक हो चुका है, लगातार स्टॉक में गिरावट है। गिरावट के पीछे के कारणों की बात करेंगे कितनी गिरावट संभव है यहाँ पर। कोविड के टाइम पर, लास्ट टाइम पर यहाँ पर कंज्यूमर सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी और आईटीसी ने भी काफी बढ़िया पार्टिसिपेट किया था। बस इस बार आईटीसी में ऐसा कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। सेंटिमेंट्स भी काफी नेगेटिव हो चुके हैं आईटीसी को लेकर के। मार्केट हालांकि न्यूट्रल जोन में है, गिरावट में नहीं है, उसके बावजूद भी आईटीसी में लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे रीजंस की कि आईटीसी में गिरावट के पीछे के रीजंस क्या हैं। और एक और खबर आई है सामने, एक बढ़िया खबर है जिसको लेकर के लगता है कि आईटीसी में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। उस खबर की भी बात करेंगे क्या रुकना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है हमारा या नहीं, अगर रुकते हैं तो कितना टारगेट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे हम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईटीसी की, देखो एक अच्छा स्टॉक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईटीसी एक बेहतरीन स्टॉक है। जिस तरह से डाइवर्सिफाइड इनका सेगमेंट है, टोबैको, सिगरेट, फूड बेवरेजेस, सभी सेगमेंट्स में ऑलमोस्ट होटल्स वगैरह में भी ये काम करते हैं, तो एक बड़ा भारी सेगमेंट है, कॉन्ग्लोमरेट कह सकते हैं इन्हें। और एक बढ़िया सेगमेंट के साथ अगर कोई कंपनी बनी हुई है और उसका शेयर प्राइस इतना कम है तो वहां पर सवाल आता है कि यार यहाँ पर बाइंग करके पैसा बनेगा या नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आईटीसी में गिरावट के पीछे क्या क्या कारण है, तो देखो लगातार चार्ट पैटर्न हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलते हैं, गिरावट देखने को मिलती है और लगातार एक जो मोमेंटम है हमारा वो नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीजन की बात करें तो सबसे पहला जो रीजन है वो बाजार है। बाजार ने इक्वली ट्रीट किया है सभी स्टॉक्स को, ऑलमोस्ट 15 के ऊपर निकल गया था हमारा बाजार और वहां से अब 14 के आसपास बना हुआ है। 14300 के आस सपोर्ट है स्टॉक मार्केट में इस समय पर, निफ्टी 14300 का सपोर्ट लेकर के रुका हुआ है। आज बाजार में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है हमें श्योरली, बट कितना सस्टेन करेगा ये आप खुद भी जानते हैं। आज मार्केट में अच्छी ओपनिंग हुई, क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, बट इसको अदरवाइज इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करना कि अब बाजार में बुल रन आ जाएगा या बाजार में अब दोबारा से एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। लास्ट वीक होता है, लास्ट वीक मंथ का हमारा बहुत वोलेटाइल रहता है, एक्सपायरी वीक होता है और ऐसे में 26 तारीख है आज, तो यहाँ पर थोड़ी सी वोलेटिलिटी बनती भी है और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इतनी बढ़िया रैली आपको देखने को मिली है। बट मार्केट में जो अंडरलाइन फैक्टर्स थे, जो गिरावट के फैक्टर्स है, वो तो वही के वही है। आईटीसी को ले लो आप या किसी और स्टॉक को ले लो, मार्केट में इस समय पर गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 3 लाख 3.5 लाख केसेस डेली आ रहे हैं और ऐसे में जो डर का माहौल है वो बाजार को प्रेशर में लेकर के जा रहा है। अंडरलाइन इश्यूज जो इस समय पर बाजार में है वो वही के वही है। कोविड केसेस हो गए, क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गए, थर्ड हमारा रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है लगातार, तो लगातार ये 3 बड़े फैक्टर्स है जिसकी वजह से गिरावट की संभावना बनती रहती है। तो मार्केट को इग्नोर नहीं करना है बट मार्केट में इन फैक्टर्स को लेकर के ही चलना है, जिसकी वजह से जो एक बड़ा कारण है आईटीसी में गिरावट का। ठीक है, इंटरनली कंपनी अच्छी है, इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पहले भी बात की थी आपसे कि आईटीसी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है। हालांकि एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे सेगमेंट्स को सेपरेट करने की बात चल रही है यहाँ पर, कि होटल का हो गया या टोबैको सिगरेट का हो गया या पेपर इंडस्ट्री हो गया, उसको सेपरेट करने की बात चल रही है। और जब तक सेपरेट नहीं होता है, जब तक ये सारे डिसीजन नहीं आते फाइनली कि होगा या नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा प्रेशर रहेगा स्टॉक के ऊपर और तब तक आपको थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। बट दैट डजंट मीन कि आईटीसी एक अच्छा स्टॉक नहीं है। आईटीसी एक अच्छा स्टॉक है, वो उसके कारण क्या है वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। देखो एक तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया है लगातार यहाँ पर, सितंबर क्वार्टर का देख लो 13,730 करोड़ का, 14,670 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा है थोड़ा सा बट साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है और मार्जिन में भी एक ग्रोथ देखने को मिलती है हमें, तो मार्जिन बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरी बड़ी चीज क्या है यहाँ पर, दूसरी अगर हम एक और चीज देखें तो खबरें अच्छी हैं स्टॉक में। खबरों की बात करें तो खबरें अच्छी हैं। डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट आईटीसी लिमिटेड विल एयरलिफ्ट 2 dozen ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर्स इनटू इंडिया फ्रॉम एशियन नेशन। देखो जिस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में जो भी कंपनी आगे आके मदद करना चाहती है उस कंपनी के शेयर प्राइस में जरूर ही यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अगर शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने को नहीं भी मिले तब भी आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से वो कितनी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है टैक्सेस वगैरह में। ये जो गुडविल जनरेट करने वाले काम होते हैं वो आईटीसी समय पर कर रहा है। डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट आईटीसी हमारा जो है वो एयरलिफ्ट करेगा 2 dozen ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक।
ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले जो टैंकर्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। आगे पढ़ेंगे आप, द मूव इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट टू हॉस्पिटल्स। जहां से प्रोडक्शन होगा वहां से हॉस्पिटल्स तक ले जाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करेगा हमारा। और इस समय में जो कंडीशन है इंडिया की, जो 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे डेली, ऐसे में ये मूव काफी हेल्प करने वाली है इन्वेस्टर्स को भी, बाजार को भी और लोगों को भी। तो ये बहुत ही वेलकमिंग मूव है। यहाँ पर अगर आप पैसा लगाते हो, यहाँ पर ITC में अगर आप बाइंग करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ एक ऐसा स्टॉक नहीं बाय कर रहे हो जो एक बड़ी कंपनी है, बहुत प्रॉफिटेबल है, बट ये एक ऐसी कंपनी में भी आप पैसा लगा रहे हो जो कि लोगों के बारे में सोच रही है, गुडविल बहुत अच्छी है इस कंपनी, और गुडविल का फायदा हमेशा कंपनी को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। एक और चीज जो आपने पूछा है वो ये है कि लगातार स्टॉक में गिरावट के कारण कब तक होगी गिरावट, गिरावट के पीछे के जो कारण है वो समझ में आ गई, गिरावट कब तक होगी। देखो गिरावट कोई फिक्स नहीं है, दो बड़े इश्यू सॉल्व होने, पहला मार्केट को स्टेबलाइज होना है, दूसरा कि कंपनी को डिसाइड करना है कि दे वांट टू सेपरेट देयर बिजनेसेस और नॉट। अगर वो अपने बिजनेस को सेपरेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते हैं तब भी उनको दे हैव टू क्लैरिफाई द सिचुएशन, ठीक है, कि सिचुएशन क्या बनी हुई है, किस वजह से वो सेपरेट नहीं करना चाहते हैं, वो सारी चीजों को उन्होंने क्लैरिफाई करना होगा और ये जो एक मुद्दा बना हुआ है उसको खत्म करना होगा, तभी यहाँ पर ITC में एक अच्छी रैली की उम्मीद आप कर सकते हो। क्योंकि लोग सोचते हैं कि यह सेपरेट हो जाएगा तो क्या उसका अलग से IPO आएगा, जैसे LIC का हो रहा है, जैसा LIC और IDBI दोनों का है। IDBI जो है LIC का एक बड़ा आर्म है और IDBI का शेयर प्राइस आप ट्रेड करते हो, LIC का IPO आने वाला है। टाटा में अगर आप देखो, टाटा ग्रुप में कितनी सारी कंपनीज थी, तो वैसे ही मर्जर वगैरह होता रहता है और अलग अलग चीजें बनती रहती हैं। और अगर ITC में इस तरह का अगर एक सेपरेशन आता है तो वो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से आप इंटरप्रेट करते हैं, बट वो डिसीजन फाइनल होना चाहिए, वो कब तक आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। और उसी वजह से स्टॉक लगातार दबाव में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खरीदारी मत करो, अगर कोई खरीदना चाहता है और सेफ स्टॉक की तलाश में है तो ITC एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। 200 से एक सपोर्ट लेकर के आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो, इससे नीचे स्टॉक हमारे जाने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं हम। एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा मोमेंटम बनता है लगातार इसमें और एक अच्छा प्रॉफिट भी बनेगा आपका, बट यू हैव टू वेट। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हो, मिड टर्म के लिए आना चाहते हो तो मत आना, सिर्फ लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, आपको होल्ड करना पड़ेगा लंबा, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो लंबा होल्ड कर सको तभी यहाँ पर बाइंग करनी। FIA DII का डेटा अगर आप देखोगे तो 1700 करोड़ का माल यहाँ पर DII ने उठाया था 23 अप्रैल को। आज का डेटा आने में समय लगेगा, बट मुझे लगता है कि आज भी खरीदारी बहुत अच्छी हुई है बाजार में। FII FPI की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई थी, तो DII को पता है कि बाजार के जो सिचुएशन इस समय पर, इस लेवल पर मार्केट हमारा दोबारा नहीं जाएगा और ना ही इस लेवल पर हमें स्टॉक मिलेगा, इसलिए खरीदारी हो रही है लगातार। खरीदारी करना बनता भी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हो तो ही आना, शॉर्ट टर्म के लिए मत आना। अगर आप लॉस में हो तो होल्ड करो, एवरेज करने की कोशिश ना करो तो ज्यादा बेहतर है। बाजार वोलेटाइल है बहुत ज्यादा, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बहुत खतरनाक हो सकती है। तो पहला टारगेट है हमारा वो इस लेवल पर है जहां पर स्टॉक हमारा अक्सर आकर के रुकता है 210 का, और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा वो 216 रुपए का होने वाला है। बाजार गिरावट में है उसके बावजूद मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा भागेगा बहुत जल्दी यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो होल्ड करने की मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।